गाइस, अगर आप लोगों ने टाइगर के झुंड को देखा है तो आप लोगों के मन में ये ख्याल आया होगा कि टाइगर के झुंड को क्या कहते हैं। गाइस, बाघ पानी के अंदर कितनी दूर तक तैर सकता है। गाइस, टाइगर नदी या तालाब का पानी किस प्रकार पीते हैं। सो गाइस, आज मैं आपको टाइगर के बारे में कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट बताने वाला हूँ जो आप अभी तक नहीं जानते थे, लेकिन इस वीडियो को जान जाओगे तो वीडियो को एंड तक देखना। पर गाइस, उससे पहले गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। गाइस, इस वीडियो को बनाने में हमको बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, पर गाइस आपको इस वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी, तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। गाइस, टाइगर अपने शिकार के पीछे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। नेक्स्ट गाइस, ये टाइगर के शरीर पर जो ये काली काली धारियां पाई जाती हैं, ये हमारे फिंगरप्रिंट की तरह अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट गाइस, पृथ्वी पर बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर टाइगर है। नेक्स्ट गाइस, टाइगरों के झुंड को स्ट्रिक या एम्बस कहते हैं। गाइस, अगर आप लोगों ने टाइगरों के झुंड को देखा है तो कमेंट में लिख देना। नेक्स्ट, भारत में टाइगर के शिकार पर प्रतिबंध है और साथ ही टाइगर के किसी भी अंग की बिक्री पर रोक है। ऐसा करते कोई पाया जाता है तो उसको जेल हो जाएगी। नेक्स्ट गाइस, आपको पता है कि बाघ अन्य जानवरों की को भी नकल कर सकता है। गाइस, शिकार को अपनी तरफ खींचने के लिए यह तरीका टाइगर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। नेक्स्ट गाइस, क्या आपको पता है कि टाइगर के बच्चे जन्म के एक महीने के अंदर ही आकार में चौगुने हो जाते हैं। नेक्स्ट, जन्म देने के बाद 2 साल तक टाइगर के बच्चे यानी कि शावकों की देखभाल मादा टाइगर करती है। नेक्स्ट गाइस, टाइगर के पंजे को पगमार्क कहते हैं। नेक्स्ट गाइस, टाइगर की जीभ खुरदुरी होने के कारण टाइगर नदी या तालाब के पानी को सूख कर नहीं पीता है। यह जीभ को कप का आकार देकर उसमें पानी भर कर पीता है। गाइस, उम्मीद करता हूं आपको टाइगर के बारे में ये फैक्ट अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये अच्छे लगे तो कमेंट में यस लिख देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और भी प्रेस कर लेना, जिससे हमारी फर्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।